हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बिल बनाने की एक डेमो वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप पूरा एक बिल कैसे बनाया जाता है ये आपको पता चलेगा। तो देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया है, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अब सिनेरियो बदलेगा कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से डिजाइन व्यू पे हम चले जाएंगे, यहाँ पर इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट टी। तो ये नाम दे दिया प्रोडक्ट टी, और यानी कि ये प्रोडक्ट की टेबल हो जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आएगी, यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये लिख दिया नेम ऑफ, फिर लिख दिया प्रोडक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पर बात करेंगे प्राइस की, तो यहाँ पे कर दिया हमने प्राइस ICE प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर इसको रख देंगे करेंसी डेटा टाइप, तो यहाँ से करेंसी डेटा टाइप कर दिया। और यहाँ पर अब करने वाले हैं यूनिट, तो यूनिट यहाँ पर हम कर देंगे और इसे रखेंगे नंबर डेटा टाइप। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका टोटल, तो यहाँ पे कर दिया टोटल, यानी कि यहाँ पर हम यूज करेंगे कैलकुलेटेड डेटा टाइप, ठीक है। तो ये यूज किया और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से, तो बस ये काम हो जाता है। ये चीज तो हम कई वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ खास है। तो अभी इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा आपका जो भी डेटाबेस है। अब यहाँ पर जो भी नेम ऑफ प्रोडक्ट आप टाइप करेंगे उसके हिसाब से उसकी कीमत डालेंगे, तो फिर उसका टोटल जो कॉस्ट है यूनिट के हिसाब से वो आता चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ये आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ अमाउंट लिख दिया हमने, तो आगे का प्रोसीजर चलेगा और फिर ऐसे ही कैलकुलेट होकर आता चला जाएगा। तो ये आ गया है, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं, ये जो टेबल बनी इसको क्लोज कर देते हैं। अब दूसरी टेबल बनाएंगे कस्टमर की, तो यहाँ से चलेंगे टेबल पे जाएंगे न्यू, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल वन आ रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर टी करता हूँ, यानी कस्टमर की टेबल। तो ये कस्टमर टी कर दिया हमने। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि दोनों ही टेबल में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर की जो टेबल है ये हमारी मेन टेबल है, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कस्टमर आईडी कर देने वाला हूं। तो ये कर दिया कस्टमर आईडी, और यहां पर कुछ रख देते हैं लाइक शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, और यहां पर कर देते हैं नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर कुछ इस तरीके से लिख देना है हमें नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पर आएगा शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पर चाहे तो इसका फोन नंबर डाल सकते हैं, फोन कुछ इस तरीके से कर देता हूँ फोन, ठीक है। टेक्स्ट रख देते हैं फोन नंबर को भी, और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इस तरीके से ये आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी आएगी, लेकिन पहले वाले टेबल में जो कि प्रोडक्ट की टेबल थी इसको हम यहाँ पर आईडी दिया गया है, तो यहाँ पे नीचे हम कस्टमर आईडी भी कर देते हैं। तो ये कर दिया कस्टमर और फिर कर दिया आईडी, और इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर चीजों को चेंजेस थोड़ा सा करने हैं। ये कस्टमर आईडी में हमें कस्टमर की आईडी डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के कस्टमर की आईडी डालते हैं E01, ये मान लीजिए कस्टमर की आईडी हो गई, और नेम ऑफ कस्टमर हो गया राम सिंह, ये कस्टमर का नाम मान लीजिए लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पे फोन नंबर जो भी है इनका डाल दिया। यहाँ पर आएंगे E02, ये कस्टमर जो दूसरे होंगे उनका नाम है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये प्राइमरी की है, लेकिन जो प्रोडक्ट वाली टेबल है वहां पर ये प्राइमरी की नहीं होगी। तो यहाँ पर अमित दूसरे कस्टमर का नाम लिख दिया और यहाँ पे जो भी फोन नंबर है वो डाल दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद अब ये प्रोडक्ट वाली टेबल है और ये कस्टमर वाली टेबल है, दोनों ही टेबल आ गई है। तो यहाँ पे E01 E02 कर देंगे, E01 हो गया और E02 कर देते हैं, तो ये E02 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर E02, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। अब दोनों ही में हमें रिलेशनशिप बनानी है, तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। रिलेशनशिप पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये कस्टमर आईडी ये मेन टेबल हमारी होगी, और ये प्रोडक्ट आईडी ये हमारी सेकेंडरी टेबल होगी। तो ये जो कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी का रिलेशनशिप इससे करा करके और यहाँ तीनों पे क्लिक करके वन टू मेनी रिलेशनशिप हम बिल्ड करेंगे। तो ये बिल्ड हो गई वन टू मेनी रिलेशनशिप, और अब इसका फायदा ये मिलेगा आपको कि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये देख पाएंगे कि ये जो कस्टमर है राम सिंह, इन्होंने क्या परचेस किया है और कितने रुपए का परचेस किया है, तो ये फायदा हो जाता है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, रिलेशनशिप को भी क्लोज करेंगे सेव करके। तो ये क्लोज कर दिया हमने। अभी हमें क्या करना है, अभी हम चलेंगे क्रिएट पर और यहां से आएंगे फॉर्म विजर्ड पर। ये फॉर्म विजर्ड दिखाई दे रहा है या नेविगेशन फॉर्म, तो हमें फिलहाल बनाना नहीं है, तो यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्म विजर्ड पर। तो ये फॉर्म विजर्ड पे गए और यहाँ से हमें कस्टमर की टेबल वाली डिटेल लेके आनी है, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम ऑफ कस्टमर, फोन नंबर ये लेके आ गए, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की भी पूरी डिटेल चाहिए, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट, टोटल,
इतना हमें लेके आना है। तो ये कर दिया हमने, और यहाँ पर ये हम सब फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके डेटा शीट व्यू में चाहिए या टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप जा करके और यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आया होगा। इसकी सेटिंग करने के लिए इसको हमें डिजाइन करना होगा, तो यहाँ से इसको पकड़ करके थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इधर की तरफ और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करना है, और ये जो है प्रोडक्ट की टेबल ये काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पूरा टोटल सारा व्यू दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से ये टोटल होकर आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डालते जाएंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं हम, यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं जिसकी मदद से हम चीजों को देखेंगे। यानी कि हम ये चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स के थ्रू हम जो यहाँ पे सर्च करें वो चीजें हमें नीचे दिखाई पड़े। तो यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स बना लिया हमने। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पर टिक करके आई फाइंड द रिकॉर्ड ऑन द बेस वैल्यू आई हैव सेलेक्टेड इन द कॉम्बो बॉक्स, इस पर टिक रखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर कस्टमर आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे। कस्टमर आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो ये सर्च करते हुए यहाँ पर कस्टमर आईडी ही रखना है, बन आ जाता है ये, और यहाँ से फिनिश कर देना इसको। तो ये काम हो गया है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है या कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं होम टैब पे जाकर के और यहीं से कर लेता हूँ। ये हो गया कुछ इस तरीके से, ओके। और फिर व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करते ही ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जैसे ही नजर आएगा तो ये देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर मैं कस्टमर आईडी 2 सेलेक्ट करता हूँ तो पूरी डिटेल चेंज हो जाती है, कस्टमर आईडी 2 की पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, तो इसको सेव किया हमने, कस्टमर टी के ही नाम से ये सेव हो गया है। तो इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है, कस्टमर टी के नाम से नहीं रखेंगे इसे हम, इसका नाम हम चेंज करेंगे कस्टमर एफ के नाम से रखेंगे। तो ये यहाँ से जाकर के और यहाँ पर कर लेते हैं कस्टमर एफ। तो ये कस्टमर एफ कर दिया हमने और ये फॉर्म बन गया और नीचे ये सब फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो कस्टमर एफ के बेस पे हमें जाना है, तो इसको अभी क्लोज कर देंगे। ये दोनों जो ऊपर हुआ है सब फॉर्म जो फॉर्म हमने बनाया दोनों को क्लोज करके फिर क्रिएट पे जाके फिर रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे और यहाँ से हम रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब रिपोर्ट डिजाइन करने की बारी है, तो ये सारी डिटेल लेकर के फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल लेंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, यूनिट टोटल, ये सब लेकर के फिर यहाँ से ओके करेंगे और फिर कस्टमर टेबल को हम प्राथमिकता देंगे, कस्टमर आईडी को प्राथमिकता देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके अगर आपको ब्लॉक में चाहिए, आउटलाइन चाहिए, कैसा चाहिए वो देख लीजिए और फिर अगर ब्लॉक में चाहिए तो ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से जाकर के और फिर यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी होगी। सेटिंग क्या करना है, इसको व्यू पे लेकर के छोटा बड़ा करना होगा क्योंकि ये यहाँ पर साइड में कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो उसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये फोन नंबर का कॉलम थोड़ा सा छोटा कर देना है। यहाँ से ये गए, इसको छोटा कर दिया, यहाँ पर इसको भी छोटा करना होगा, ये छोटा कर दिया। अब ये नेम ऑफ प्रोडक्ट भी काफी बड़ा हो गया, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से दोनों को छोटा करना होगा इस तरीके से, अब देख लेते हैं। तो अब देखिए अब ये नजर आने लगा, लेकिन यूनिट कट रहा है तो यूनिट को और बड़ा करना होगा। तो यहाँ से जाकर के यूनिट को भी हम बड़ा बना सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटिंग हो गया है। अब ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, ठीक है। कस्टमर का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितने यूनिट परचेस किए गए, यहाँ पे डेट भी लेके आ सकते हैं। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अभी भी एक चीज हमें करनी है, ये जो रिपोर्ट हमने डिजाइन किया इसको तो हम अभी डिजाइन कर चुके हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को हम डिलीट कर देते हैं। डिजाइन किया लेकिन अभी डिलीट करते हैं, तो यहाँ से पहले क्लोज करेंगे तो ये रिपोर्ट भी डिलीट हो जाएगी। तो ये यहाँ से डिलीट करना है इस रिपोर्ट को। क्यों डिलीट कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, यहाँ पर जा करके अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म बनाया हमने, अब फिर हम वापस जाएंगे, इसके लिए एक क्वेरी बनाएंगे। तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे चलना है, ये क्वेरी डिजाइन पे आए और अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई क्वेरी फिलहाल हमने नहीं बनाई है। तो ये दोनों ही टेबल हमें लेनी है, ठीक है, पहले कस्टमर टी और फिर प्रोडक्ट की टेबल, दोनों जो भी दिया हुआ है इसको हमें ले लेना है। फिर यहाँ पर हमें कस्टमर आईडी, नेम ऑफ कस्टमर, फोन नंबर, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, फिर प्राइस, फिर यूनिट, फिर टोटल, ये सारी चीजें रख करके यहाँ पर आना है क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में आना है और हमें फॉर्म के अंदर सर्च करना है, कस्टमर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा फॉर्म,
ठीक है, तो ये फॉर्म्स आ गया है नीचे देखिए, तो यहां पे ये ले लिया हमने। अब यहां पर दे दीजिए एक्सक्लेमेशन, हमें कस्टमर फॉर्म के अंदर सर्च करना है, तो ये कस्टमर फॉर्म ले लिया, फिर एक बार और एक्सक्लेमेशन दीजिए और हमें इस बार कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करना है, तो यहां पर कस्टमर आईडी हमें दे देना है, तो ये नीचे कस्टमर आईडी आ भी जाएगा, तो इसको दे दीजिएगा। अब इसको देने के पीछे खास एक रीजन है, और यहां पर कस्टमर क्यू क्वेरी क्वेरी के लिए मैं कर रहा हूं, तो कस्टमर क्यू कर दिया। अब ये कस्टमर क्यू के नाम से सेव हो गया। अब जब हम जाएंगे वहां पर तो हमें कस्टमर क्यू ही लेना होगा, ठीक है। एक बार और इसे दिखा देता हूं, देख लीजिए ये किस तरीके से बना हुआ है, ये क्वेरी हमने किस तरीके से बनाई है। अब इस क्वेरी को बनाने का खास पर्पज था, तो अभी आपके समझ में आएगा कि क्यों ये क्वेरी मैंने बनाई। तो अभी क्या करना है, अभी हमें वापिस से चलना है, कहां पर वापिस से चलना है, रिपोर्ट डिजाइन करना है। तो चलिए रिपोर्ट डिजाइन कर देते हैं, ये क्वेरी को क्लोज कर देते हैं और यहां से रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। तो ये रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे और यहां से हमें क्वेरी के बेस पे रिपोर्ट डिजाइन करनी है, ठीक है। तो कस्टमर क्यू जो बनाया इसी के बेस पे रिपोर्ट डिजाइन करनी है, तो ये सारी डिटेल्स हमें लेनी है, जो भी डिटेल्स इसमें दिए गए हैं सारी डिटेल्स एक ही क्वेरी में आ जाएंगी। और फिर यहां से जाकर के और फिर कस्टमर को प्राथमिकता हम देंगे, कस्टमर आईडी को, तो ये दे करके फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए और ब्लॉक में चाहिए कैसे चाहिए ये देख लीजिए। तो यहाँ ब्लॉक कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ से फिनिश करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं अब ये सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ E01 लिखेंगे, जैसे ही लिखेंगे तो आप देखेंगे कि कस्टमर का नेम क्या है और यहाँ प्रोडक्ट का नेम क्या है। प्रोडक्ट का नेम है कीबोर्ड और प्राइस कितनी है 200 रुपए और टोटल कितना बना हुआ है वो भी आपको शो हो रहा है। तो ये आसानी के साथ आप कर सकते हैं और कोई भी इस तरीके का अगर आपको बनाना हो तो आसानी से बना भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। आगे के लिए कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो, आगे और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।